डिपार्चर है वो 11 बजे का है यहाँ से, तो अब अंदर चलते हैं। मोस्टली जो ट्रेनें राजस्थान के लिए वो यहीं से निकलती हैं सराय रोहिला से। अभी हम आ चुके हैं सराय रोहिला, ट्रेन अभी लगभग 1 घंटे में डिपार्ट करने वाली है। Next morning. गुड मॉर्निंग गाइस, मैं पहुंच चुका हूं जोधपुर। ट्रेन का अराइवल टाइम था 9:30 बजे का, बट अभी 11 बज चुके हैं, तो ट्रेन ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लेट थी। तो बाहर चलते हैं, पहले होटल लेते हैं। होटल लेने के बाद आज हम एक्सप्लोर करेंगे काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स, क्योंकि जोधपुर में कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, और पसंद आती है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। एग्जिट करने के बाद पता करते हैं कि यहाँ पे कहाँ पर सस्ते होटल्स मिलते हैं। A few moments later. जोधपुर के मेन मार्केट में हमें रूम मिल चुका है, और अभी हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। और ये रूम इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी काम चलाओ ठीक है। कल तक हम यहाँ चेकआउट कर देने वाले हैं, तो फर्क नहीं पड़ता रूम कैसा भी हो, बस नींद पूरी करनी है। अभी हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है मेहरानगढ़ फोर्ट। यहाँ की जो गलियाँ हैं काफ़ी खूबसूरत हैं यार, चारों तरफ ऑरेंज ऑरेंज कलर के फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं हम मेहरानगढ़ फोर्ट, और आसपास की जो गलियाँ हैं, गली में घूमने के बाद आसपास जो भी घर हमें दिख रहे हैं सभी के सभी नीले हैं। इसके पीछे का रीज़न पता नहीं क्या है, मुझे पता लगता है तो आपको ज़रूर बताऊँगा। लगभग 1.5 किलोमीटर की हम चढ़ाई कर चुके हैं, पर शायद अभी फोर्ट काफ़ी दूर है। मैप पे कितनी दूर दिखा रहा है अभी? 20 मिनट। 20 मिनट? हाँ। कितने किलोमीटर दिखा रहा है? इतनी ऊपर चढ़ाई करने के बाद हमें दिखता है एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, भाई चारों तरफ नीले घर, नीला आसमान और नीले घर। शहर के खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद हम निकल जाते हैं मेन किले की तरफ। किले के अंदर भी अपनी एंट्री हो चुकी है, और मेरे पीछे देखिए आप, ये किला हम नीचे से देखते आ रहे हैं। किले का वो वाला हिस्सा हमें नीचे से ही दिख रहा है, और ऊपर आके ये किला बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गाइस, बहुत खूबसूरत। किले के ऊपरी हिस्से से हमें दिखता है जोधपुर का एक खूबसूरत नज़ारा। तो भाई फोर्ट के अंदर एंट्री भी हो चुकी है, और जो एंट्री के चार्जेस है भाई बहुत ज़्यादा हैं। जो नॉर्मल किले होते हैं उनकी एंट्री मैक्स टू मैक्स 60-70, बट इस किले की जो एंट्री है वो 200 है, और फॉरेनर्स के लिए तो शायद बहुत ही ज़्यादा होगा। मेहरानगढ़ किले के भीतरी हिस्से में हमें देखने को मिलते हैं सैंडस्टोन्स के ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर खड़े खूबसूरत मीनार। इन पतली संकरी गलियों से निकलने के बाद हमारे सामने होता है किले में ही मौजूद एक छोटा सा मार्केट, जहां से आप हैंडक्राफ्टेड चीजों को खरीद सकते हैं। किले को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच जाते हैं एक बहुत ही खास जगह पर, जहां हमें एंशियंट कैनन्स देखने को मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल 18 सेंचुरी तक होता रहा। किले की दीवार 2 किलोमीटर लंबी होने के बावजूद इसकी सुरक्षा के लिए दीवारों की चौड़ाई 23 मीटर तक रखी गई, जिन पर तैनात कैनन्स को आज भी किले में देखा जा सकता है। तो गाइस वापस मैं घूम के आ चुका हूँ, लेकिन मुझे इस किले में ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, बस मुझे यहाँ पे कुछ नई चीज़ देखने को मिली, जो कि है वो कुछ तोप के गोले और तोप। तो बाकी इस किले में कुछ खास है नहीं देखने के लिए। जो एंट्री चार्जेस मैंने पे किए 200 रुपये, वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। तो अब एक म्यूज़ियम है, अब म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हैं। किले के म्यूज़ियम के हिस्से में कई महल देखने को मिलते हैं, जिनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, स्लेख खाना और दौलती खाना शामिल है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर कब्जे के बाद 19वीं शताब्दी में किले के आखिरी शासक महाराजा तखत सिंह माने जाते हैं। हालांकि किले की नींव 1459 में रखी गई,
लेकिन आज भी इस किले में कई ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिनसे इस किले को आधुनिक माना जा सकता है। लेकिन इसका एक कारण इसके रखरखाव को भी कहा जा सकता है। जस्ट अभी मैं किले से भी बाहर आ रहा हूँ और मुझे यहाँ के बारे में कमाल की चीज़ पता चली। अगर आप अपने लिए गाइड हायर नहीं करना चाहते हैं तो आप काउंटर से एक ऑडियो डिवाइस ले सकते हैं और आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, उन नंबर्स को आप उस डिवाइस के अंदर डालते हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में सभी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो एक चीज़ यहाँ की खास बात है कि आपको गाइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेहरानगढ़ फोर्ट से निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं सिंगोड़िया हिल्स, ऊपर शायद मंदिर है एक, तो दर्शन भी करेंगे मंदिर के। ये देखिए गाइस, इतना प्यारा सनसेट मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। काफ़ी टाइम से ऊपर चढ़ रहे हैं और सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। फाइनली ख़त्म हो चुकी सीढ़ियाँ। शहर की चारों तरफ की लाइट्स जल चुकी है और शाम के अभी ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं। नीचे की ओर अंधेरा हो चुका है बट अभी मैं सबसे पीक पे हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट सनसेट होगा। सो गाइस, ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं कुछ इस तरह की लोकेशन से। होपफुली कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप समझ ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।